वेल हाई गाइज अ वेरी गुड इवनिंग गुड नाइट कांड ऑफ थिंग लेकिन दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट वॉट इज इम्पोर्टेंट एज एंगेजमेंट अवार्ड लेकिन लेकिन आपको कुछ सच्चाई जाननी जरूरी है आई वॉज लुकिंग एट अ पोस्ट आई वॉज लुकिंग एट पीपल टॉकिंग अबाउट इट और मुझे ये समझ में आया कि थोड़ी सी गलत फहमी यहाँ पर हो गई इस अवार्ड को लेकर के और लोगों को ये लग रहा है कि ये जो अवार्ड है ये अभी जो वर्ल्ड कप में क्राउड दिख रहा था उसकी वजह से नो no. लेट मी ब्रेक दिस आउट टू यू देखो यार थोड़ा सा हार्श हो सकता है बट ये फैक्ट है तो प्लीज इसको सुनते जाना और इट्स इंपॉर्टेंट टू नो द फैक्ट इट्स इम्पोर्टेंट टू नो द ट्रथ ठीक है सो so, इस अवार्ड का नाम है डेवलपमेंट अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दो हजार तेईस के लिए अवार्ड मिला है दो हजार चौबीस के लिए फैन इंगेजमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं मिला है दो हजार चौबीस अभी चल रहा है ईयर खत्म नहीं हुआ है तो इसमें जो भी कुछ इन्वॉल्व किया गया है, वो दो हजार तेईस के लिए किया गया है. एक पूरा आर्टिकल है इस पर आप चाहो तो जाकर गूगल पर पढ़ सकते हो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है और इनफैक्ट आप चाहो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वो आर्टिकल डाल दूंगा ताकि आप जाकर वहां पढ़ लेना तो छह टीम्स हैं जिनको नॉमिनेट किया गया था और उन छे सॉरी इक्कीस टीम है जिनको नॉमिनेट किया गया था और उसमें से छह टीम्स हैं जिनको अलग अलग अवार्ड मिले जिसमें से दो अवार्ड हैं जो इंपॉर्टेंट है जिस पर हमारी नजर बननी चाहिए पहला अवार्ड जो नेपाल को मिला है जो कि डिजिटल फैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड है जिस तरह से फेसबुक पर फोर हंड्रेड परसेंट की ग्रोथ दिखाया है नेपाल ने उनकी एंगेजमेंट ने उस चीज को मद्देनजर रखते हुए डिजिटल फैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला विच इज अग बिग थिंग सी हम सब बहुत टाइम से नेपाल को लेकर के क्रेजी हैं नेपाल नेपाल को लेकर के बात करते हैं नेपाल को लेकर के ट्वीट करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं उसके बारे में बात करते हैं सो येस इट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस बट बिकॉज मैंने कहीं पर देखा कुछ लोगों को बात करते हुए देखा कुछ कॉमेंट्स में देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये इस वाले दो में जो डायलेस को आपने काठमांडू बना दिया था जो जबरदस्त भीड़ आई थी हर मैच में लोग कह रहे थे कि यार वी वर नॉट अवेयर ऑफ दिस हम तो अवेयर थे लेकिन लेकिन वो अवेयर नहीं थे वो भीड़ को देख करके दुनिया क्रेजी हो गई थी तो उसका अवार्ड अगले साल मिलेगा उसका जो अवार्ड था उस बारे में जो भी बात होगी वो 2025 में होगी क्योंकि 2024 खत्म होने के बाद ही ऑब्वियसली कुछ ईयर का कुछ भी अवार्ड मिलेगा तो वो 2025 में मिलेगा ना क्योंकि अभी तो ईयर बच रहा है सो ये जो है, ये जो अवार्ड है पिछले साल का है और ये डिजिटल अवार्ड है सो इट इज ये कोई छोटी चीज नहीं है तो इसको हम हल्के में नहीं मा कि यार बताओ लेकिन हमें अवार्ड वो चाहिए जो नेदरलैंड को मिला है नेदरलैंड को अवार्ड मिला और ये जो अवार्ड है इसके कंसीडरेशन में सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट नेशंस आते हैं ये जो डेवलपमेंट अवार्ड जो आईसीसी का है इसमें सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट नेशन आते हैं और 21 एसोसिएट नेशन में से 6 so, को अवार्ड मिला है सो नेदरलैंड को अवार्ड मिला है बेस्ट एनुअल परफॉर्मेंस एसोसिएट नेशन में वो अवार्ड हमें चाहिए ठीक है आई अंडरस्टैंड डिजिटल अवार्ड इज अ गुड डिजिटल फैन एंगेजमेंट अवार्ड इज वेरी गुड अवार्ड बिकॉज आपको इससे यह पता चलता है कि भाई आपकी वैल्यू कितनी है अब मैं आपको चलो अब अगर आपको लगता है कि मैं इसको हल्के माप रहा हूँ तो मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूं सबसे पहला बेनिफिट इसका यह होगा कि आपके जो लीग्स होंगी उसमें आप इजिली फ्रेंचाइज को ला सकते हो उसमें आप इजिली यू नो अपनी ब्रॉडकास्टिंग राइट right अच्छे पर बेच सकते हो क्योंकि देखो जब आपके पास नंबर है आप अभी दिखा दोगे सपोज करो एनपीएल होने वाला है एनपीएल में जब आप जाओगे क्योंकि स्पॉन्सरशिप के लिए आप जाते हो जो आपकी मार्केटिंग टीम होती है वो स्पॉन्सरशिप के लिए जाती है जब वो स्पॉन्सरशिप के लिए जाएगी तो ये बेस्ट सेलिंग पॉइंट होगा कि भैया देखो फोर ग्रोथ है हमारी फेसबुक पर और आईसीसी ने हमें फैन एंगेजमेंट ऑफ द ईयर दिया दो के लिए तो चौबीस का जब आप देखोगे तो आप वैसे ही हिल जाओगे तो इसीलिए वो इजीली इज़ी होगा आपको किसी फ्रेंचाइज को लाने के लिए और कोई भी अदर जो इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे होंगे वो आराम से ये चीजें देख करके मोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए जो लीग क्रिकेट है जो कैन अभी प्लान कर रहा है एनपीएल का उसमें बहुत बूस्ट करेगा लेकिन जो नीदरलैंड को अवार्ड मिला है उस पर हमारी नजर होनी चाहिए देखो ओमान को भी मिला है कुछ कुछ ओमान को मिला है कि उनकी विमेन टीम दोबारा से यू नो रिवाइव हो रही है ग्रो कर रही है कुछ कुछ मैचेस खेल रही है ऐसा कुछ कुछ ओमान का है फिर मेक्सिको को भी कुछ मिला है और यूएई को भी कुछ मिला है बट वो वो छुट छुटपुट छुटपुट चीज़ें उस पर ध्यान देना नहीं है हमें हमें ध्यान देना है दो चीज़ पर फैन एंगेजमेंट जो कि टॉप नॉच होनी चाहिए हमें रिसेंटली मिला था मंथली वाला और एक होना चाहिए जो डेवलपमेंट अवार्ड है नेदरलैंड के पास जो कि परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर क्योंकि उन्होंने वेस्ट इंडीज जैसी टीम को हराया साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हराया बांग्लादेश को तो इन टीम्स को के ऊपर वो भारी पड़े हैं इन टीम्स को हराया है उन्होंने इस वजह से उनको ये अवार्ड मिला है और ये वो अवार्ड है जिस पर हमारी नजर होनी चाहिए थी आई नो कि आप ये सोच रहे हो कि यार आ, मतलब इतना खुशी खुशी वाला दिन था इंगेजमेंट अवार्ड मिला था आईसीसी ने अवार्ड दिया और ये क्या कर आप बातें कर रहे हो भाई फैक्ट पता होना जरूरी है मैं मैं, मैं भी चाह करके आ करके ना अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर देता बट आप आपको मुझे आपको पता है कि मैं कैसा हूं जो फैक्ट होता है वो मैं आपको हमेशा बताना चाहता हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि आपको कोई फॉल्स डिलेमा में या गलत इन्फॉर्मेशन देकर रखू और बस बोल दूं कि भाई हम तो दुनिया में ऐसे हैं हम तो दुनिया में ऐसे हैं वी शुड नो कि हमें कहाँ पर काम करना है वी शुड सेलिब्रेट जहां पर हमें कुछ अच्छा मिला है ये एक इट्स इट्स अ बिग अच्छी अचीवमेंट आपको अगर एनुअली ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का इतना बड़ा अवार्ड मिला है तो ये सब टीमों को नहीं मिलता और इक्कीस टीम में अगर छह टीम नॉमिनेट हुई थी फाइनली छह टीम को प्राइज मिला है और उस छे में से अगर नेपाल एक है तो इट्स ऑब्वियसली अ बिग थिंग लेकिन आई जस्ट थॉट आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो अवार्ड्स मिले हैं वो किस बेसिस पर मिले हैं और कौन से ईयर पर मिले हैं और इससे क्या क्या फायदा होना है ठीक है आ, अच्छा अभी मैं रिसेंटली मैं वो भी देख रहा था यार वाई वाई आई गेस जो कंपनी उसने कुछ टेन ट्वेंटी अमाउंट सी आर आई एम नॉट श्योर उसके बारे में बात करूँ अगली वीडियो में जाकर के पहले उसको पढ़ लूँ थोड़ा रंग से आ, क्योंकि मैं कुछ भी जा करके नहीं बोल देता पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लूँ उसके बाद उस बारे में बात करेंगे बट दिस वॉज दिस वॉज अ वेरी गुड थिंग दिस वॉज अ वेरी टॉप नॉच स्टफ के नेपाल को मिला है एंड दिस विल हेल्प नेपाल इम्प्रूव देयर अपकमिंग लीग इनफैक्ट उसका लेवल अप करने के लिए बहुत नेशन को, को नेपाल को सीरियसली लेने में आईसीसी को, को चाहिए एंड ऑफ दिजिबिलिटी भैया जितनी ज्यादा हमें विजिबिलिटी मिलेगी उतना हमें फायदा होगा तो आने वाले टूर्नामेंट में आईसीसी कोशिश यह करेगा कि हम फिक्सर कुछ इस तरह का बनाए जहां पर हम नेपाल के मैचेस को जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच छोटा एग्जाम्पल देता हूं अमेरिका में जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ उसमें जितना अमाउंट आया है जितना अमाउंट आया है इंडिया और पाकिस्तान के मैच में उतना अमाउंट सारे मैचेस को कंबाइन करने के बाद भी नहीं आया है सो so यूएसए में जितने पैसे इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बाद आईसीसी के पास पहुंचे उतने पैसे सारे मैच को कंबाइन करने के बाद भी नहीं पहुंचे सो इट शोज के इंडिया और पाकिस्तान का मैच इज अ गुड रेवेन्यू जनरेशन मैच और वो हमेशा से होता है इसलिए आईसीसी इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर थोड़ा सीरियस होता है बट अब नेपाल के मैच को लेकर भी उतना ही ज्यादा सीरियस होगा क्योंकि हमने एक दिन में दिखा दिया सबको कि नेपाल की फैन एंगेजमेंट कितना ज्यादा पावरफुल है और उससे कितना रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है तो नेपाल को ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू हेल्प नेपाल बिग टाइम लेकिन उसके लिए वी हैव टू कंटिन्यू डूइंग दिस आई हैव टू कंटिन्यू टॉकिंग टू यू यू हैव टू कंटिन्यू टॉकिंग टू मी ये कम्युनिकेशन चलता रहेगा आई हैव टू कीप यू नो कॉमेंटिंग और जो भी जो भी जो भी मैं करता हूँ रेगुलर जो पॉसिबल है और आप लोग जो रेगुलर करते हो जो पॉसिबल बिकॉज हम सब फैन में ही आते हैं आप मैं और आपके आपके साथ जितने लोग हैं मैं जिन लोगों से ऑफिस में बात करता हूँ सब फैन में आते हैं जो भी क्रिकेट के बारे मेंपाल के बात कर रहे हैं वो सब फैन में आते हैं और हम और आप और मैं भी फेसबुक यूज़ करता हूँ आप भी फेसबुक यूज़ करते हो तो फेसबुक में फोर परसेंट जो ग्रोथ है उसमें आपका भी उतना ही हाथ है हमारा भी हाथ है थोड़ा बहुत जो भी है तो ये आगे हेल्प करेगा ये कैन को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बट इवेंचुअली वी हैव टू लुक एट दिस परफॉर्मेंस अवार्ड जो कि नेदरलैंड को मिला है सो आई एम सॉरी गाइज अगर मैंने कुछ ट्रुथ बस्ट कर दिया और शायद आप एक बबल में हो गए जिसे बाहर निकलने की शायद जरूरत थी इट वॉज अ गुड अवार्ड बट देर आर सर्टन गुड अवार्ड जिस पर हमारी नज़र बनी रहनी चाहिए खैर आई होप दैट यू हैव अ गुड नाइट एंड इट्स अ गुड मोमेंट गाइज इट्स अ गुड मोमेंट सो स्टे कूल स्टे हैप्पी एंड एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक उस पर मोस्ट ऑफली कल वीडियो बनाऊंगा मैं टिल देन यू गाईज टेक केयर एंड किसी को अगर मिस इन्फॉर्मेशन हो रही हो तो उसको बता जरूर देना कि भाई uh, ऐसा ऐसा कुछ है और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा सो सुधेर आप जाकर के वहां भी उस आर्टिकल को पढ़ सकते हो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी इस पर ठीक है टिल देन यू गाइज टेक केयर हैव अ गुड नाइट एंड नाइस स्वीट ड्रीम्स बाई